गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन। स्कूल जाने से पहले बालक को जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा। जो पूर्व विद्यालय एज होती है, जो प्राथमिक एज है बालक की, वो 3 से 5 वर्ष की आयु होती है। 3 से 5 वर्ष की आयु जो है वो प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। यह वो समय है, वो पीरियड है जब बालक स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, स्कूल में समायोजन करने के लिए तैयार होता है। तो इसे ही पूर्व विद्यालय एज भी कहा जाता है कि प्री स्कूल एज। पूर्व विद्यालय शिक्षा जो है वो 2 तरह से हम पढ़ेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और भारतीय शिक्षा प्रणाली। जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है वो फ्रोबेल और मारिया मोंटेसरी, 2 शिक्षा मनोवैज्ञानिकों या शिक्षाविदों ने दी थी। फ्रोबेल की जो शिक्षण पद्धति है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति शुरू करी है। तो जो इस समय हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें जो पद्धति लागू हो रही है वो किंडरगार्टन पद्धति है, जो कि फ्रोबेल ने दी हुई है। किंडरगार्टन पद्धति में 3 से 5 वर्ष की आयु के अंदर जो है वो बालक जो है प्री नर्सरी, LKG जिसे लोअर किंडरगार्टन कहते हैं, UKG अपर किंडरगार्टन जो है वो है। तो 3 साल की एज जो है, 3 से 5 वर्ष की आयु तक बालक जो है वो प्री नर्सरी, LKG और UKG किंडरगार्टन पद्धति द्वारा शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है। किंडरगार्टन पद्धति के अंदर फ्रोबेल ने मुख्य रूप से खेल खेल में बालक को शिक्षा देने के बारे में जो है बताया था कि बालकों का ये विकास का पीरियड है। इस समय बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है, और इस समय बालक जो है वो अपने आप से निकलकर समाज में, या फिर यूँ कहें कि व्यक्तिगत खेलों से निकलकर सामूहिक खेलों में जो है वो जाने का समय है। तो इस समय बालक को जो है वो किंडरगार्टन पद्धति द्वारा खेलों के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जाती है। आप सबको पता है कि जो ये पीरियड रहता है प्री नर्सरी का, LKG, UKG का, इस समय बालक को जो है रचना करके, गा करके, जैसे पोएम्स वगैरह सिखाई जाती हैं, कलर्स के नेम सिखाए जाते हैं। तो बालक खेलों के माध्यम से जो प्रकृति की वस्तुएं हैं उनको टच कर करके उनके माध्यम से जो है ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इस समय ही बालक जो है स्कूल में समायोजन होने के लिए भी सीखता है कि आगे जाकर उसको स्कूल जाना होगा। ये जो किंडरगार्टन है ये स्कूल नहीं कहलाते हैं। जो प्री नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट तक के स्कूल हैं ये किंडरगार्टन स्कूल कहलाते हैं। तो ये किंडरगार्टन से निकलकर स्कूल में समायोजित होने का समय हो जाता है कि बालक इस समय अपने परिवार से निकलकर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। तो बालक इस समय अपने जो है किंडरगार्टन स्कूल में जाकर थोड़ा सा समय वहाँ बिताकर तो अपने परिवार से दूर रहना सीखता है, और साथ साथ जो है वो प्रकृति की चीज़ों को टच करके उनसे ही रचना करना, गा करके, कुछ चित्र बनाकर जो है अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है और ज्ञान को अर्जित करता है। तो इस समय बालक को एक्टिविटीज़ के माध्यम से, बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मोंटेसरी शिक्षण पद्धति। इसे मारिया मोंटेसरी ने दिया था। हमारे यहाँ किंडरगार्टन स्कूल जो है वो प्रचलन में है, लेकिन कुछ जगह पर मोंटेसरी स्कूल्स भी चलते हैं। तो ये मारिया मोंटेसरी की पद्धति थी।
इनका मानना था कि बालक जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण के संपर्क में आकर ज्ञान को अर्जित करता है। वो वस्तुओं को छू करके, चख करके, उन्हें देख करके, उन्हें सूंघ करके वो अपने वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है और साथ साथ बालक का जो है मानसिक सामाजिक विकास भी होता है। क्योंकि इस समय बालक अपने घर से निकलकर स्कूल में जाता है तो इस समय बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है, अन्य बालकों के साथ रह करके अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो कई जगह पर किंडरगार्टन पद्धति चल रही है और कई जगह पर मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति, मॉन्टेसरी स्कूल्स भी चल रहे हैं जिनके द्वारा जो है प्री स्कूल एजुकेशन या पूर्व विद्यालय शिक्षा दी जाती है। मुख्य रूप से दोनों में यही है कि बालक को रिटर्न वर्क ना करवाकर खेलों के माध्यम से बालक अपने परिवार से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए अपने घर वालों से दूर रहकर जो है बाहर की दुनिया में समायोजन करना सीखता है। तो दोनों पद्धतियों का मुख्य एम यही है कि बालक का जो है इस समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास जो है करना। क्योंकि ये जो स्टेज है प्री स्कूल एजुकेशन की, 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था है ये बालक का बेस होता है। इस समय बालक जो है तीव्र गति से उसकी मानसिक, सामाजिक जो है विकास होता है। तो इस समय अगर बालक को साथ साथ अन्य सपोर्ट मिल जाए कि उनके इस विकास को और अधिक डेवलप करने की और अधिक विकसित करने के लिए अगर साधन दिए जाएं, उन्हें प्रोवाइड करवाए जाएं, तो बालक का विकास और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मारिया मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों से सीखने की बात कही, जबकि फ्रोबेल ने मुख्य रूप से खेलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की बात कही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में शिक्षाविदों के क्या विचार थे। थैंक यू।